बीती रात हुई गुल्लक सीजन 4 की स्क्रीनिंग, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे, राकेश बेदी, ऋत्विक धनजानी, शिव ठाकरे, अनूप सोनी, गुल्लक 4 की पूरी कास्ट, हेली शाह, इसके अलावा कई और सितारे इस स्क्रीनिंग में हुए शामिल। बहुत एक्साइटेड रहता हूँ गुल्लक के लिए। गुल्लक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। ये लोग बहुत टाइम लेते हैं शो बनाने में, मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पर कि जल्दी शूट करा करो। बट आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 4। आई हैव बिंज वॉच्ड ऑल ऑफ देम बिफोर 4 रिलीजेस, सो दैट मुझे ऐसा ताज़ा याद है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ये शो का, सो आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड आई नो दिस गोना किल इट एनी विच वे, सो ऑल द बेस्ट टू द टीम। मैंने जब फर्स्ट सीजन देखा था तो मैं पागल हो गया था, तो मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया था, अमृत भाई ने फर्स्ट सीजन डायरेक्ट किया था, और मैं उन्हें मिलने गया था और मैंने बस उनको बोला था मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको मुझे देखना है, आपके साथ बैठना है और बस जानना है कि आपने ये कैसे शूट किया। एंड ही वॉज रियली स्वीट, ही मेट मी एट अ कॉफ़ी शॉप एंड वी हैड अ टॉक अबाउट गुल्लक फॉर एटलीस्ट 1 आवर एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैपेंड इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यार गुल्लक तो अभी भी है मेरे पास, अभी भी गुल्लक है मेरे पास। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ गुल्लक से रिलेटेड। जब नया नया 2000 लेट 90s में हमने थोड़ा बहुत टेलीविज़न में काम किया था तो 200 रुपये कन्वेंस मिलता था उस ज़माने में, आजकल नहीं मिलता है। तो मुझे लगता था बड़ा अजीब कि यार एक्टिंग करने के पैसे भी मिलते हैं और एक्टिंग करने के साथ साथ 200 रुपये कन्वेंस भी मिलता है, तो वो मुझे हमेशा लगता था कि एक्स्ट्रा मनी है। तो मैंने एक गुल्लक खरीदी और उसमें मैंने वो 200 रुपये डालने शुरू कर दिए और 200 रुपये जो है वो इकट्ठे होते रहे। अचानक एक दिन मैंने कहा चलो पता करके देखते हैं, तो उसमें से टोटल 18,000 रुपये निकले वो जो 200 रुपये कन्वेंस। तो ये मेरे हाथ में जो कड़ा देख रहे हैं आप सोने का पहने हुए, ये उसी 200 रुपये के कन्वेंस की कमाई है जो मैंने उस ज़माने में ख़रीदा था। उस ज़माने में गोल्ड का भाव बहुत कम था, ऑलमोस्ट मैं 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो गुल्लक की कीमत जो है वो आप देखिए ना, आज इसका भाव बहुत बढ़ गया है, तो गुल्लक की कीमत ये बता सकता है। जी देखिए, मैं एक एक्टर हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर को काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ OTT पे हैं, फिल्मों में हैं, इंडी फिल्म में है, फेस्टिवल वाली फिल्म में है, शॉर्ट फिल्म में है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है जहाँ अच्छा काम हो रहा हो। सो
मेरे लिए भी एज एन एक्टर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस माय वर्क कि यार OTT जो है अलग तरह का काम कर रहा है. तो OTT मेरे जैसे एक्टर को एक मौका देता है कि यार चलो अनूप सोनी को हमने बहुत सारे किरदारों में देखा है, उनसे कुछ अलग देखते हैं. डायरेक्टर्स यहाँ पर चांस ले रहे हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस न्यू चेंज इन द प्लेटफॉर्म. यार गुल्लक बहुत दिल से बनाया हुआ शो है. और मैं सच करूँ, मैं अरुणाभ कुमार जो TVF के फाउंडर हैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार आप आप हर चीज़ दिल से बनाते हैं. आप उनके कोई भी शो देख लीजिए, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो कोटा फैक्ट, मतलब जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो जिंदगी है ना, जो रिलेटेबल जिंदगी है. तो गुल्लक जो है वो एक ऐसा शो है, मैं अभी शरी से भी कह रहा था जो डायरेक्टर हैं 4th सीज़न के, कि गुल्लक 3rd सीज़न जिस पॉइंट पे एंड हुआ था, इतने इमोशनल पॉइंट पे, वो इमोशनल पॉइंट मेरे ख्याल से आप सब लोग, मैं, हम सब लोग उससे रिलेट कर सकते हैं. और मैं अभी जो 4th सीज़न है उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठा हूँ और मुझे पता है कि वो फिर से आपके दिलों को छूने वाला है. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए एक दिल का टुकड़ा है गुल्लक. और हमारी पूरी जो टीम है अब एक फैमिली हो गई है. हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, पूरी प्रोडक्शन की टीम, कॉस्ट्यूम की टीम, सब ये ऑल फैमिली नाउ. और ये कहानियाँ बताने में भी मज़ा आता है, ये किस्से बताने में भी मज़ा आता है क्योंकि हमारे से इतने जुड़े हुए किस्से हैं. मुझे लगता है भारत की हर जनता इससे कनेक्ट कर पाती है. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सीज़न 4 आ रहा है. मुझे बच्चे नहीं है लेकिन मैं कोई एक्टर संभालती मुश्किल हो रही है. नहीं, बच्चों को संभालने में जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभानी पड़ेंगी. और जैसा जैसा वक्त आता जाएगा, जैसे जैसे वक्त बच्चे बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को फेस करना है, उनको रिजॉल्व करना है. और ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी नए नए किस्सों के साथ, ज़िंदगी के नए नए हिस्सों के साथ. और मुझे लगता है माँ बाप को ही बदलना पड़ता है ना. बिल्कुल, अडाप्ट करना पड़ता है माँ बाप को. भाई माँ बाप भी तो इनएक्सपीरियंस है ना. पेरेंटिंग कर रहा है वो भी पहली बार, तो पेरेंटिंग के साथ साथ वो भी सीखते रहते हैं. बच्चे एडल्टिंग कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग कर रहे हैं. दोस्त यार, हम इस वक्त खड़े हैं TVF के यूनिवर्स में. और आई थिंक ये जो क्रिएटर्स हैं, द एंटायर टीम, ये हमेशा से दे प्रेजेंट अ वर्ल्ड जिसके लिए शायद हम कभी सोचते भी नहीं. सो आई थिंक एवरी सीज़न, चाहे वो गुल्लक का हो या TVF के और भी कई सारे शोज हो, दे आर सो हार्ट वार्मिंग, दे आर सो हार्ट टचिंग, दे आर, हम लिटरली कहते हैं ना, वी शुड डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. दे आर लिविंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे आर डूइंग समथिंग दैट टचेज योर हार्ट at every single call. So that's lovely. I'm looking forward. Those bahut badlav aaya hai yaar, matlab kitne sare kamal ke aise actors hain, kitna kamal ka talent hai jo hame thanks to the world of OTT dekhne ko mila hai. And main gullak ki wajah se Vaibhav ka dost bana, and Vaibhav are a very very dear friend, and I think what a marvelous actor. और ना सिर्फ वैभव, हम ऐसे कितने सारे कलाकार हैं जो आज के टाइम पे आप देखते हो ऑन डिफरेंट OTT चैनल्स, दे आर डूइंग वंडरफुल. सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू OTT, थैंक यू. गुल्लक, ये मुझे लगता है इनका टाइटल ही इतना प्यारा है. इससे पहले वाले भी मुझे लगता है जितने हमने देखे थे वो जितना मैं एक्साइटेड हूँ उतने लोग एक्साइटेड हैं. और गुल्लक के बारे में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, यादें हैं जो अपनी बहन का गुल्लक फोड़ने में, वो पैसे लेके मांगने में, मुझे लगता है ऐसे सबके किस्से. तो ऑल दी बेस्ट सब टीम को. और मैं एक्साइटेड मैं देखने जा रहा हूँ, तो आप भी देखना ना बोलो. मेरा कैरेक्टर जो है वो है डेंटिस्ट का. सो आप देखेंगे शो में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है. एंड आई होप लोगों को अच्छा लगे, आई होप लोगों को एक क्यूरियोसिटी हो, एक इंट्रीगिंग लगे कि हाँ आगे क्या होने वाला है. एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज ऐसे शो के साथ जुड़ना हर एक एक्टर का ख्वाब होता है. हर कोई जुड़ना चाहता है इतने प्यारे शो के साथ. एंड आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर वे टू स्टार्ट माई वेब जर्नी. एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ गुल्लक. मैं बोलना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है, कैसा लगने वाला है. और पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि 4th सीज़न आ रहा है किसी सीरीज़ का. सो दैट इज़ अमेजिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड. यार मैं खुश हूँ. मतलब वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी जब आप लोग देखेंगे कि किस तरीके का अंदर शो है और बाकी के 3 एपिसोड भी जो आने वाले हैं, तो आप सबको पता लगेगा कितना कुछ है मेरे करेक्टर या रोल के अलावा भी. मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और दिल से, बिकॉज मैं शो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. पंचायत और गुल्लक के दो शोज देखती हूँ. और
जब मुझे पता चला कि सीजन 4 आ रहा है तो एंड यू नो सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं दिल से बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर द शो. हाँ वही जो बचपन में आई थिंक सब गुल्लक खरीदते थे फिर उसमें पैसे जमा करते थे फिर कभी कभी एकदम इम्पेशेंट होकर फोड़ देते थे ना भरने से पहले ही. यार मैं तो बहुत खुश हूँ OTT से बिकॉज मुझे ऐसा लगता है OTT ना टेलीविज़न और फिल्म्स के बीच में एक वो है. तो कितने सारे टेलीविज़न एक्टर्स शायद जिनको फिल्म्स में मौका नहीं मिलता था उनको अब OTT करने का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा काम करने को मिल रहा है. तो या आई तो यार मुझे लगा जो एक इनका थीम है फैमिली फन छोटी छोटी चीज़ों पे यू नो बहुत खूबसूरती से दिखाना. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट एंड आई एम रियली एक्साइटेड. यार आई थिंक OTT हैज चेंज द गेम. आई थिंक आज के दौर पे मूवीज सॉरी थिएटर एंड OTT दोनों का स्पेस है बट फॉर मी इट्स बीन अ बून. आई स्टार्टेड आउट विद OTT सो इट्स ऑलवेज स्पेशल. भाई देखिए बहुत अच्छा ब्रांड है और पहले जो जितने भी सीजन है सब देखे हैं मैंने क्या पूरी दुनिया ने देखे और बहुत ही पसंद किया जा रहा है. जो इंडिया का मैं कहूँगा मिडिल क्लास का हार्ट है उससे जुड़ा हुआ ये शो है. उनकी समस्याएं उनकी प्रॉब्लम उनकी लाइफ उनके रोज़ की जो दिनचर्या उसके बारे में ये शो है. तो ये भी अच्छा ही होगा आई एम श्योर. अभी इसको मैं वेट कर रहा हूँ बड़ी ईगरली. ऐसे बहुत कम शोज़ हैं जिनका मतलब मैं कहूँगा इट्स लाइक जो आपके दिल को छू जाते हैं एंड गुल्लक इज़ वन ऑफ दो शोज़. इट्स अ शो दैट आई एम रियली रियली फॉन्ड ऑफ. आई लव ऑल ऑफ द वायरल फीवर कॉन्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच आई वुड रेट इन द टॉप 3 शोज ऑफ आउट ऑफ ऑल द viral fever shows TVF. Of course it's such a good opportunity for everyone. OTT has opened so many doors for all the actors, new writers, new directors, and it's really a like blessing for all of us. I've seen first 3 seasons of Gullak, so I'm eagerly waiting to watch this right now. It's a beautiful show. And Gitanjali ma'am, I worked with Gitanjali ma'am before in Taj Mahal 1989. It's a Netflix show, but uske bare mein main yahan hi baat karunga. I'm eagerly waiting to watch this and yes, congos to the entire TVF team and everyone, the creators for this. मुझे शो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं बस वेट कर रही हूँ कि इन्होंने इस सीजन में क्या किया है. तो मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे सारे एक्टर्स, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन सब बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दे हैव डन फॉर दिस सीजन. Yes, so let's wait and see. Thank you. Very excited. Gullak is one of my favorite shows. I think it's a very therapeutic show. Aap life mein stress mein ho, just watch Gullak. That's what I tell my friends and everybody. So very excited to be stress-free in the auditorium. यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गुल्लक का. मतलब सारे दोस्त आ रहे हैं शो में बट उसके अलावा भी आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो पहले सीजन से ही. और मेरा रिचुअल है मैं हर बार स्क्रीनिंग पे आता हूँ, 2-3 एपिसोड दिखाता हूँ और मैं घर जाके पूरी फैमिली के साथ बाकी का पूरा शो खत्म करता हूँ सीन में. इस बार ऑडियंस 4 गुना प्यार करेगी. राइट. बहुत 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 सारे नए किस्से हैं, बहुत सारी नई कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी. मुझे लगता है कि मैं पहली बार अभी इन सबको मिली हूँ इस सीजन के प्रमोशन में. मैंने बहुत मिस किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी. मैं यही बोलना चाहूँगा कि गुल्लक सीजन 4 इस देश के बहुत सारे वो शोज़ जिनको काफ़ी प्यार मिला है ऑडियंस का, उनमें से पहला शो है जिसका सीज़न 4 आ रहा है. और मैं चाहूँगा लोग बहुत ही प्यार से अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवारजनों के साथ देखें और खूब सारा अपनी मेमोरीज़ रिलिव करें जो ऑलरेडी वो जी चुके हैं. और होप करता हूँ कि ये सीज़न भी उतना ही पसंद आएगा जितना पहले के 3 सीज़न पसंद आते रहे. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लव शोज़ है. एक ऐसा शो है जो अपनी फैमिलीज़ के साथ देख सकते हैं, एक ऐसा शो है जो सबने बहुत इन्जॉय किया है. रूरल भी है, अर्बन भी है, हर किसी को बहुत मज़ा आता है. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि इस शो को इतना प्यार मिला है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. यार अगर सीज़न 1 आ गया, सीज़न 2 आ गया, सीज़न 3 आ गया और सीज़न 4 आ चुका है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है. और ज़रूर इस शो में कोई बात होगी तभी सीज़न 4 तक पहुँचता है कोई भी शो. एंड अभी देखा नहीं है सीज़न 4, आई एम श्योर कुछ बढ़िया और धमाकेदार होगा. तो अभी देखने के बाद ही बताऊंगा कैसा रहा.